हाय व्यूवर्स, आज मैं बनाने वाली हूँ एक अनोखा तरीका की मटन कोरमा। आप कई सारी जगह खाए होंगे, रेस्टोरेंट वगैरह घर में भी आप बना के खाते होंगे, लेकिन इस तरीके के आप एक बार बना के देखिएगा। टाइम का बचत होगा, टेस्टी तो होगा ही होगा, दही फटने का कोई टेंशन नहीं रहेगा आपको। तो फटाफट इस रेसिपी को देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ 3 बड़ा प्याज को स्लाइस काट के ली हूँ, और इसमें थोड़ा प्याज ज़्यादा लगता है। और जिसमें मैं बनाऊंगी उसी में तेल पहले से मैं चूल्हा में गरम करने के लिए डाल दी थी, तो तेल गरम हो गया था, उसी में प्याज को डाल देना है और इसको भूनना है। तो हाई फ्लेम पे इसको भूनते रहे आप। देखिए प्याज जब भून जाता है तब हम इसे उठा लेंगे एक प्लेट में, और इतना ही आपको भूनना है, इससे ज़्यादा भूनना नहीं है। इससे ज़्यादा अगर आप भून लेंगे तो कोरमा में कड़वापन आ जाएगा। तो अब हम तेल में, वही तेल में इलायची, लौंग और दालचीनी दो दो करके दे दी हूँ और एक तेज़पत्ता दे दी हूँ। अब हम क्या करेंगे, मटन को मैं पहले से इसको धो धा के रख दी थी मटन को, और ये लगभग 600 से 650 ग्राम होगा, और इसे हम तेल में डायरेक्ट डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, इसे 2-4 बार चला के इसको भून लेंगे। तो हाई फ्लेम में आपको रखना है। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक मैं सबसे पहले डाल देती हूँ ताकि ये अपना मीट जो है, ये मटन जो है, ये अपना पानी छोड़ देता है जल्दी, तो इसीलिए ये जल्दी गल भी जाता है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आप जितना तीखा पसंद करें उतना। और यह मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ थोड़ा सा कलर के लिए। यहाँ मैं धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दे रही हूँ। अब हम डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर, इसमें है छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, जावित्री और शाहजीरा, इतना है ये गरम मसाला में। इसको डाल देने के बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे भर के। हम यहाँ 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ, और सारे मसाला को एक साथ में हम मिला लेंगे। और गैस का फ्लेम मैं यहाँ हाई रखी हूँ, क्योंकि आपको भी हाई ही रखना है, क्योंकि मीट अपना पानी छोड़ता है तो आपको हाई ही रखना है। तो देखिए 1 से 2 मिनट हम इसको भून लेंगे, और इसमें देखिए पानी है। अगर पानी आपका नहीं रहता है तो आप थोड़ा सा कम 50 से 50 ml तक आप पानी देके इसको कवर कर दे। अब हम क्या करेंगे, ये जो फ्राई करके रखी थी अनियन को, प्याज को, इसे हम एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे, और दही को इसके साथ हम डाल दिए हैं, और इसे हम पेस्ट कर लेंगे। फाइन पेस्ट होने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम दरदरा पेस्ट रखेंगे यहाँ। तो देखिए अब देख लीजिए, ऐसा पेस्ट आपको बना लेना है। अब हम क्या करेंगे, कवर खोल लेते हैं और इसमें हम डाल देंगे यही वाला पेस्ट को। अब ये पेस्ट को डाल देने का बाद हम क्या करेंगे, इसे हम भुनेंगे। हम भुनेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और इसे हम 4 से 5 मिनट भूनेंगे। और देखिए मैं इसे हाई फ्लेम पे भून रही हूँ, लेकिन दही नहीं फट रहा है, बिल्कुल नहीं फट रहा है, क्योंकि मैं प्याज के साथ दही को पेस्ट कर ली हूँ। इसका वजह से आपका दही फटने का कोई टेंशन नहीं है। आप धीरे धीरे स्पून चलाए, या जल्दी जल्दी चलाए, या गैस कम करे या हाई करे, आपको दही बिल्कुल नहीं फटेगा। तो ऐसा आपको ये प्रोसेस आप अपना के देखिए, और मेरे को फिर कमेंट में बताइए। देखिए ये बिल्कुल नहीं फट रहा दही, कितना अच्छा से मैं सामने से दिखा दे रही हूँ। मैं उतना चला भी नहीं रही हूँ, आपको वीडियो में पता चल रहा, मैं धीरे धीरे चला रही हूँ। तो ऐसा भूनने के बाद, 4 से 5 मिनट भूनने के बाद क्या होगा, आपका देखिएगा आप अच्छा सा खुशबू निकाल के आएगा। तो उतना टाइम आप क्या करेंगे, पानी डाल देंगे। तो उसी में जार में थोड़ा सा मैं पानी डाल के उसी से निकाल ली थी, क्योंकि वो जो पेस्ट था उसमें थोड़ा बहुत रह गया था, उसको क्यों फेंके, उसको मैं बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ, अब भी नहीं फेंकिएगा। और थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, क्योंकि मीट को सॉफ्ट करना है, गलाना है, तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। यहाँ कुकर में नहीं बना रही हूँ, तो पानी अगर आप कुकर में बनाएंगे तो आपको इसका इतना पानी देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए अब सारे मीट पूरा एकदम पानी में नहीं दिख रहा है, पानी ऊपर तक आ गया है। अब हम कवर कर देंगे इसको उबाल आने तक।
जब उबल के आ जाएगा, देखिए ये उबल के आ गया, तब हम क्या करेंगे, एकदम धीमी आंच में इसको 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। तो अब मैं गैस का फ्लेम धीमे कर दी हूँ, आपको पता चल रहा है ना वीडियो में। अब हम क्या करेंगे, इसको कवर कर देंगे और 20 मिनट तक वेट कर। अब मेरी मटन कोरमा तैयार हो गया है। दिखने में तो ये लाजवाब लग रहा है, कम से कम आप इसे एक बार बनाएं और फिर आपको पता चलेगा ये कितना लाजवाब बनता है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको अच्छा लगेगी होगी। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और अपना दोस्तों में शेयर करने ना भूलें। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दे। फ्रेंड्स, वीडियो मेहनत से बनाई जाती है और आपका एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मेरे को हिम्मत मिलते हैं और ऐसे ऐसे रेसिपी शेयर करने। तो देर किस बात की, जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक आप खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।